बिल्कुल संगोटना जेह्ड़ा इलाका है ना उसने बिच दो चीज़ां असें गी बड़ियां नज़र छत्ता है पर इक ता जनाब इतना बड़ा लगा पी आई ए लेना जहाज ते दूआ ट्रक कल्चर जेह्ड़ा नी दो ट्रक अपने वतन ना जेह्ड़ा ना लोकां ए समझी कि नु अपील भी कीती कम से कम जहाज आई गए ट्रक भी आई गए हाली जेह्ड़ा ना एयरपोर्ट वास्ते जमीन दे करो ये गल है राशि साहब रंगी फिर भेज सेंगे ओ लोग छत्तां पर खलाए हुए जहाज रनवे वे है ते इसकी टेक ऑफ कीता जाए बिल्कुल चाचा जी सब पुराना मीरपुर तक है अपनी अखा बिल्कुल मैं पढ़ना रहा सही है मैं फिर उत्थे कीता पुराने मीरपुर सही बीए आके नवा मीरपुर चुके फिर कॉलेज शिफ्ट हो गया शहर ने मुकाबले शहर को नहीं सी सही समझे ना बहुत खूबसूरत शहर सी और मतलब बिल्कुल दो तरफा टरान सी ठीक है उस तरफ ही नाला सी ठीक हो गया तो इस तरफ ही मतलब जो नाला बरतानिया लोग जो गए ना ये मंगला डैम जल्द शुरू होया ना तो ये उस रिमरे मतलब है फिर उन्होंने मतलब चूंकि कंपनी अंग्रेजा नहीं सी इतने बरतानिया नहीं सी उन्होंने फिर वीजे दे के इन्होंने मतलब भेजा ज़्यादा मतलब 1962-63 तो बाद लोग गए फिर ज़्यादा जड़े गए दो गेट सुन जी टोटल जड़े सुन एक हाथी दरवाजा सी जो कचहरी साइड खुला सी समझे ना बाबा कॉलोनी इस पास मतलब अगे नाल कॉलेज आ जाना सी उस तो अगे दूसरी साइड तो एक दरवाजा दो दरवाजे बंद हो रात शहर बंद हो जाने छज पर दे सानू चंगे अपने वे देश होंदे छज पर दे सानू चंगे अपने वे देश होंदे ओ रब साईं लिख छोड़ी रोजी विच पर दे सांदे ओ रब सच्चे लिख छोड़ी रोजी विच पर सांदे असी शौक तू सजना विछड़े नहीं कुछ साड़ियां भी मजबूरियां ने असी हां परदेसी लोक वे असी हां परदेसी लोक वे असा तुजा विछड़िया संग नालू एक परदेस रबा तुजा विछड़िया संग नालू ਸਾਤੂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम आड़ियो भैनों ते माड़े भ्राओ। डडियाल टीवी नाल मैं सना मेज़बान इदरीस आज़म अज मौजूद हाँ जी। असा ज़िला मीरपुर ना इलाका है जी संगोट मीरपुर। पिछली वीडियो संगी दसी सी जिसने जैसा पूरा मीरपुर कवर किया सा, उसने जैसा कि पूरा मीरपुर कवर सा, बेसिक जड़े ग्रां हैं लाइक मकान दूर दूर से ग्रां नज़र तो नहीं आ रही से सही, लेकिन अज असा जो मेन फोकस किया है वो सा जनाब संगोट ग्रां। बाकी स्पेशली थैंक जी जनाब भाई इकराम साहब उन्होंने इंग्लैंड सो उन्होंने वजह सो अज अस आए हैं, उन्होंने घर इस टाइम मौजूद हाँ ग्रां विच। बाकी भाई रहीम साहब मौजूद है, भाई रहीम शौकत साहब जिन्हें के ड्रोन ने कवरेज की है सारी वीडियो जी ने इन्होंने उसी है अपना देश। तो कश्मीरी बैठक जनाब साकब साहब है, तो ये भाई आसम साहब है जरा कि असें पूरा गाइड करी रहे इलाके ने। तो जनाब कैसा लगा तुसें? माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा। मीरपुर शहर तो असं काफ़ी टाइम जोड़ा ना अच्छे रहे हैं, लेकिन यह है कि संगोट जो पहले दफा अच्छे इतफाक होया सही है, बड़ा अच्छा। तो बड़ा शुक्रिया इन भाई होना जिन्हें अज वीडियो असंकी खसूसी टाइम दिता। तो इंशाल्लाह ताला रहीम साहब वीडियो बनाने जे मसरूफ हैं थोड़े जे, तो इंशाल्लाह तकरीबन जो चार चैनल चौं चैनल पर वीडियो इंशाल्लाह जरूर दस। बिल्कुल सर भाई आसम साहब मौजूद है जरा कि असं गाइड करी रहे इलाके ने बारिश। तो नैक्सट डे असंकी खड़सन है दरबार पर भी जरा कि इतना मशहूर है रुकने आलम। तो बाकी हजरत अपने गोट ने बारे थोड़ा दसो। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब संगोट छोटा जहा शहर है जनाब, सही है बिल्कुल मखसूस जहा ठीक है। तो मैं जी जी संगोट की मशहूर जगह जी है ना है जनाब बिल्ली पीर सैयद निकालम शाह साहब अगर जनाब इन्हें मैं जनाब उतर लैके जाना सही है थोड़ी देर तक ठीक है इंशाल्लाह। तो उस बाद असा जो संगोट जरा छोटा जहा गाँव जरा ना जनाब पुराना मीरपुर जरा उतु जनाब शिफ्ट हो गए जनाब ओल्ड मुतासरीन जो सर सही है जनाब इतना संगोट शिफ्ट होया। तो संगोट इतना जनाब सब असा नई आबादी शामिल होने ठीक है नाल इतना पुरानी आबादी जिसी मोड़ा मांझिया में कहा जाना है पुरानी आबादी संगोट भी है जरा थोड़ा जहाँ पर नौरानी मस्जिद के नाल जरा सी वन के नाल सारा जरा सारा सिलसिला जरा इस तरह ठीक है। तो बाकी आबादी साढ़े सिचुएशन खाली है ग्रां इलाके या महल या कोई बाद बाहरों तकरीबन 50% बंदे जो है ना जो इतने अपने रेंगे ठीक है। बाकी जो किराएदार बेसिकली ज्यादा बंदे जड़े ना वो बंदे जड़े ना बाहर इंग्लैंड यूके जो सैटल न सही है बुजुर्ग है। बाकी अंकल भी मौजूद है वो क्योंकि जहर बुजुर्ग है असें बेहतर दसी सकने जी बुजुर्गो। जनाब गुजारिश है कि ये वार्ड नंबर 21 है ठीक है, इसकी आबादी वोट रजिस्टर्ड वोट जड़े ने 2100 है टोटल जड़ा सही समझे ना। तो ये मतलब मिक्सचर है मतलब है कोई डडियाल तो असी आए हैं सही है कुछ मतलब है पुराने मीरपुर ने इर्द गिर्द ने लोग जड़े ने आए। तो असल जी शिफ्टिंग हुई है 1967 हुई है सही है मई 1967 पानी चढ़िया मई 1967 पानी चढ़ना शुरू होया उस वक्त मतलब है फिर पुराने मीरपुर तो लोग भी तो बाकी इर्द गिर्द इलाके जड़े सुन वो फिर मतलब वापस शिफ्ट होने पहले तो आबाद होना शुरू हो गया सी 1964 बाद आबाद होना शुरू हो गया। चाहे पुराना मीरपुर तक है अपनी अखा बिल्कुल मैं पढ़ना रहा सही है मैं फिर उत्थे कीता पुराने मीरपुर सही बीए आके नवें मीरपुर चुके फिर कॉलेज शिफ्ट हो गया सी ठीक है। तो उस इलाके तो मतलब फिर कैसा माहौल है चाचा क्योंकि हूँ तो असं नज़र आई रहा इस टाइम बिल्कुल डैम ही डैम है कुछ चीज़ा आई हैं जो मौजूद हैं पर शहर ने मुकाबले शहर को नहीं सी सही समझे ना बहुत खूबसूरत शहर सी और मतलब बिल्कुल दो तरफा टरान सी ठीक है उस तरफ ही नाला सी ठीक हो गया। तो इस तरफ ही मतलब जरा नाला सी तो बिच मतलब आबादी मतलब बिल्कुल एक सेंटर एरिया गिने जाने जो प्लैन से बाकी दाएं बाएं जरा ना मल्ला नलोई तो इस तरह ने महल सुन मतलब है सही है तो बाबा कॉलोनी मतलब इलाके सुन बाकी कारोबार कुछ ना सा साढ़े अपने मुसलमाना ना सा सिखा ना सा या पहले पहले 1947 तो पहले हिंदू सुन ठीक है ज्यादा हिंदू सुन सही डडियाल शहर भी हिंदू सुन इतना भी हिंदू सुन उस तो बाद जरा फिर मुसलमान ने हथ आया मुसलमान मतलब कारोबार करने
मतलब आम जो शहरी लोग ये कारोबार चाचा कोई याद वस्ता हो पुराना मीरपुर नहीं सी जो याद हो वाकया कोई इस किस्म का जो सुनाना चाहो अस वाक्य तो मराद सी के मतलब केड़ी चीज ऐसा कोई सुना वाक्य जरा गुजरिया जरा तुसी आज तक याद है या पुराने में पर तुसा जरे तुसानी दरबार शरीफ है पीर सगे ने कलम शहर है जी जी इनानी अगर زیارت तुसा अगर या तो बूते ले गोड़ा शरीफ सी उठुए शिफ्ट होए ने सही है इनानी मतलब जिना लोकां ने जनाजा पढ़या मैं तो नहीं पढ़या लेकिन जिना पढ़या उन्होंने जुबानी बात है कि जिस वक्त इन्होंने कब्र कशाई होकर इतने जनाजा पढ़िया गया तो उस वक्त इन्होंने मतलब तुरबत में मतलब दीदार जरा किया गया उस अपनी दाढ़ी मुबारक जी वधी है सही सही माशाल्लाह समझे ना एक निशानी सी मतलब फकीर नहीं तो आप में कलाम भी मौजूद है सही समझे ना जरा आम मतलब है बाकी रही भाई कुछ चाचे को सवाल करना चाहो तो करी सकने क्योंकि जहर माड़े दहन जो ऐसे में करी केंद्र क्योंकि चाचा और क्योंकि असंकी मिली गया अलहमदुल्ला क्योंकि मीरपुर ही अच्छी पुराने मीरपुर ने बारे जानना बेहतर दसी सकने असें क्योंकि क्योंकि पहले अस दरबार शरीफ पर गए हैं तुम दुआ शुआ मकफ की है क्योंकि असंकी नौजवान असल इस तू पहले असें नहीं पता कि दरबार शरीफ ना ही सुनता सी बुजुर्गों ने तो अज अलहमदुल्ला ज़ियारत भी की है दूसरे जो सारी फैजपुर शरीफ दरबार उन्होंने कोई अगर तुम्हें पता है कि निस्बत है सी या उन्होंने बहुत बड़ी निस्बत सी जी मतलब है कि जड़ा ये मतलब है पीर सईद ने कलम शाह सरकार पाक जोड़े 39 साल की उम्र इन्हें पर्दापोशी की है और जुमला मतलब है जो इन्होंने बस इन्हें मराकबा आबाजात या जो आबादात सुनो मुकम्मल कर गए सुन फिर इन्होंने फैज बख्शिया टांगरी शरीफ वाले टांगरी शरीफ वाले ने अगे फैज बख्शिया गुलाब शरीफ नू ये फैज उधर चलना पे लग गया लंगर संगर सारा उधर इधरों जा रहा इन्होंने ही लंगर शरीफ चल रहा इतने भी उत्थे भी दो जगह से माशाल्लाह मतलब है असं एजाज हासिल है कि इस बस्ती च इतनी बड़ी हस्ती जड़ी है समझे ना मीरपुर शहर नहीं बहुत बड़ी दूसरा असं तक नहीं है कि मीरपुर शहर असं बुजुर्गों को सुनने सा कि एक बड़ा खूबसूरत सी कि बिल्कुल जिस तरह एक डब्बा जहाँ होना इस तरीके ने आराम सुकून बंदा चीज़ा खरीदी सकना सी लेकिन अजकल दा माफ कर डब्बे तो मुराद है जनाब कि इसने दो गेट सुन जी टोटल जड़े सुन एक हाथी दरवाजा सी जो कचहरी साइड साइड खुला सी समझे ना बाबा कॉलोनी इस पास मतलब अगे नाल कॉलेज आ जाना सी उस तो अगे दूसरी साइड तो एक दरवाजा दो दरवाजे बंद हो रात शहर बंद हो जाने से मतलब एक डब्बे की शक्ल इस वास्ते सी कि ये मतलब दो गेट सुन ठीक हो गया दो गेट बंद हो जाने बस शहर बंद उस रस्ता को नहीं सी रहना फिर समझे ना तो अल्लाह ताला ने फजल करम नाल मैं तो मतलब दो साल उत्थे पढ़िया समझे ना पैदल भी फिरे हैं गड्डिया भी फिरे हैं सारा मतलब बहुत खूबसूरत सी थोड़ा जहा दसो हाँ बरतानिया में साढ़े हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी आबादी है तो ये वैसे किड़े सन में ज़्यादा लोग जो बरतानिया गए न बरतानिया लोग जो गए न ये मंगला डैम जल्द शुरू होया ना तो ये उस जिमरे मतलब है फिर ये उन्होंने मतलब चूंकि कंपनी अंग्रेजा नहीं सी इतने बरतानिया नहीं सी उन्होंने फिर वीजे दे के इन्होंने मतलब है भेजा ज़्यादा मतलब 1962-63 तो बाद लोग गए फिर ज़्यादा जड़े गए कुछ लोग जड़े सुन साढ़े जहाजों से काम करने सुन जड़े बहरी जहाजों से वो कुतरने रहे पहले उस तो बाद जड़ा आम लोग गए वो मतलब है इस वीजे से गए मंगला डैम अफेक्टेड होने नहीं असीत उन्होंने कंपनियों ने बंदे मतलब खड़े ने फिर उन्हें वीजे दिते ने फिर ठीक है तो माशाल्लाह मौजूद सा इतना तो बाबा को जड़िया ना काफ़ी मालूमत भी की है पुराने मीरपुर ने बारे में और संगोट ने बारे में इंशाल्लाह ताला मजीद अगर जुले हाँ तो संगोट ना ना एक इलाके ने किस तरह पिया गुरु ये नहीं पता नहीं पता संगोट चुके मतलब असान प्रोजेक्ट बार डड़ियाल तू शिफ्ट हो डड़ियाल ताजपुर इलाका सी साड़ा समझे ना उतो अस शिफ्ट होकर इधर आए हैं पुराना डड़ियाल भी बुजुर्ग को विजिट किया है कदम सा पुराने डड़ियाल पुराना डड़ियाल मैं मैट्रिक तक पुराना डड़ियाल पढ़िया ठीक है वो भी खूबसूरत शहर सही समझ बहुत खूबसूरत सी बड़ा केड़ा शहर था मीरपुर या उतना चो लगना था मीरपुर बड़ा सी काफले किस तरीके ना अच्छे से आमदोराव तू तो आमदोराव तेरी नहीं ये तो जिला सी ना ठीक है ये जिली हैसीयत सी इसने ये तो उसने और पोजिशन सी तो वो डड़ियाल जड़ा ना वो भी मतलब मैन बाजार इक्के सी सारा सही है समझे ना नीचे प्रत्येक उपर जाके फिर दो हिस्से हो जाने तो उपर मतलब उस टांगे चलने टांगे ना अड्डा होना जो चौमक जाना चौमक बिल्कुल चौमक पतन सारा सही समझे ना
ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਤਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਕਸਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚਕਸਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਚਕਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਜਰਾ ਜਿਹਾ ਇਜਰਾ ਜਿਹਾ ਉਜਰਾ ਉਹਨੇ ਉਸਕੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਜਰਾ ਅਜੀਰਾ ਆ ਮੀਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡੈਮ ਸਾ ਇੱਕ ਡਡਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੌਮਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਚੌਮਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲੀ ਪਤਨ ਅੱਛਾ ਪਤਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਪਤਨ ਸੁ ਕਿਆ ਮੁਰਾਦ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਰਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਚਾਹੀਏ ਇਧਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਸੜਕ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲ ਪਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਚੌਮਕ ਚੌਮਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਨ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਦੂਸਰਾ ਅਦਰੀਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਚੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਸੀ ਚੱਕ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡਡਿਆਲ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਪੁੰਛ ਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਮਕ ਸੀ ਚੌਮਕ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਪੁੰਛ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਪੁੰਛ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਕਾ ਪੁਲ ਤੱਕਣੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣੀ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਧੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਹਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣੀ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬੜਾ ਨਾਯਾਬ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੋ ਇਹ ਭੁੱਲ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੁਨੱਵਰ ਸੈਨ ਨਾਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁ ਮੁਨੱਵਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁ ਮੁਨੱਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜੁਲਨੇ ਉਸ ਕੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਵੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੀਮ ਭਾਈ ਜੀ ਜੁਲਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਰਹੀਮ ਭਾਈ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰਪੁਰ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਈ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਘੋੜ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਛੱਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਲਗਾ ਪੀ ਆਈ ਏ ਲੈਣਾ ਜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਦੂਆ ਟਰੱਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਦੋ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਕਿ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਹਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਟਰੱਕ ਵੀ ਆਏਗੀ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗੀ ਫਿਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ ਪਰ ਖਿਲਾਏ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇ ਵੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਕੀ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਣੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਭੇਜ ਸਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਦਰਾ